राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समय हो गया है 2:01 और बाबा सादगी 1 मिनट लेट है। शर्मिंदा होता हूँ खुद पर। और स्वर्गीय पिताजी से बहुत ज्ञान की बातें ग्रहण की हैं और सहेज के रखी हैं। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा ड्यूटी पे अगर जाते हो तो 5 मिनट पहले जाओ और 5 मिनट बाद आओ। तो बाबा सादगी बोला, क्यों? टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे आऊंगा। तब उन्होंने बताया रीजन, बोला 5 मिनट पहले जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि तू लेट क्यों आया है, और 5 मिनट बाद निकलोगे तो ये कोई यही नहीं कहेगा कि तू जल्दी क्यों गया है। खरबों की बात है, मुफ्त में मिली, सहेज के रख ली है। राधे राधे। हाँ, आ गए हैं वापस अपने कार्य पर और मित्र भोजन ग्रहण करके विश्राम कर रहे हैं। राधे राधे। और ये तैयारियां की जा रही हैं शहद निकालने की, एक्सपर्ट हैं। और पूछ लिया मैंने इनसे कि क्या आपका इंश्योरेंस है, बोलेगी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे शहद चाहिए बस। और वो लगे हुए हैं अपने कार्य में दोनों भाई। यहाँ चाची जी लगे हुए हैं, घुसे हुए हैं गुफा के अंदर में वो। और ये और बाबा सादगी जो है वो कर रहे हैं वीडियोग्राफी। चलो जी साहब। और हमारे दत्ता जी जो है हथियार लेके आ रहे हैं और सब भाग रहे हैं। और ये लगा दिया है वहाँ पे, लंका जला दी गई है। और सारे बहादुर जो है देखिए, सब बहादुर यहाँ पर आए हुए हैं। और रिपोर्टर को तो रेंज में रहना ही पड़ता है, अब शहद की मक्खियाँ काटे कोई भी काटे। उड़ रहे हैं वो देख नहीं रहे ऊपर, लंका जल गई है वो देखो, उड़ के गए वो। और सारे बहादुर आगे बढ़ रहे हैं। जो और होंगे भुन जाएंगे सब। लाओ बाल्टी वाल्टी लाए कुछ, वो मत करो करो वहाँ पे, आग मत करो ना। अरे अब हो गया ना पूरा काम, जो वो देख रहे हो सब हो गया, कांड ऐसी कांड करने वाले हो गया। हो गया वो कहाँ अपराध कहाँ है? अभी नहीं रुको, अरे ज्यादा आग मत करो करो वहाँ, आग मत करो सब जल जाने यार। अब यहाँ कहने ला रहा है। हाँ हाँ रुको तो सही, अब शायद खाने की सबको जल्दी हो रही है, रुको। मोड़ो भाल लिया थोड़ा बहुत खराब बहादुर। देखिए शेर हैं सभी, धीरे धीरे मधुमक्खियां जा रही हैं। देख रहे हैं पीला पीला स्पॉट, वही है शहद का छत्ता। और मक्खियां वहां पे भिनभिना रही हैं कि कौन छेड़ रहा है हमें, कौन हमारी शांति भंग कर रहा है। फिर बहादुर ले आए हैं कहानी, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, मक्खियों को छेड़ा जा रहा है भगाने के लिए। और वो जो है अपने महल को छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। पूरी जद्दोजहद चल रही है स्वाद के लिए। और अभी है फाइनल स्टेप, मधुमक्खियां भी वहां भिनभिना रही हैं। बहुत हिम्मत कर रहे हैं, और हमारे बहादुर चाचा जी ले आए हैं निकाल के वहां से। अरे ये तो प्योर शहद है, ये तो प्योर शहद है। 5:13 आज का काम पूर्ण किया, वापस आ गए हैं घर में। मौसम करवट बदल चुका है, हवा तेज चल रही है और धुंध यानी कि शोर भी
आ चुकी है। अब चलते हैं अपने छोटे से बगीचे में, खेत में, क्यारी में, और निकालते हैं वहाँ से बीन्स। कितनी हुई है, क्या हुई है, नहीं जानता हूँ, लेकिन देखते हैं। मित्रों, अभी ये बीन्स तोड़ी हैं, 3 पाव तो गारंटेड है। अब इसके किए जाएंगे 3 हिस्से, एक होगा गुप्तदान और एक होगा बताकर। क्यों? उनकी अच्छाई को बताकर, उनके सम्मान में, उन्हें थैंक यू देने के लिए एक हिस्सा किया जाएगा, एक गुप्तदान होगा, एक होगा बाबा सादगी के लिए। राधे राधे। नहीं लग रहा हो मित्रों, छोटे भाई हैं श्री प्रदीप सिंह मनराल जी, सब्सक्राइबर भी हैं और वीडियोस भी देखते हैं। कल 2 दिन पहले मुझसे बोले कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो अभी इससे पहले जो वीडियो रिलीज करूँगा, यानी कि कल मेले कल है वो, उसके बाद ये वीडियो का नंबर आएगा। तो ये जो है इनकी जो है कलाकारी है, बताया कि इस प्रकार से कीजिए। सो आप बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर बाबा सादगी अपने स्टाइल से करते रहेंगे। तो भुला, आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार नई चीज़ सिखाने के लिए। तो देवदूतों की जो लिस्ट है बाबा सादगी की, उनमें जो है छोटे भाई का नाम भी जुड़ गया है। राधे राधे। मित्रों, आपने कभी टमाटर का पेड़ देखा है? छोटे पौधे देखे होंगे, झाड़ी देखी होगी, लेकिन आज प्रभु कृपा से आपको दिखाया जाएगा टमाटर का पेड़। जी हाँ, ये सामने जो है ये टमाटर का ही पेड़ है। फिलहाल इसमें ना फूल लगे हुए हैं, टमाटर लगते हैं, थोड़ी देर के बाद जब लग जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चटनी के काम आता है। और वो चटनी कैसे बनाई जाएगी, कब इसमें फल लगेगा, क्या होगा, वो पूछेंगे अपनी आदरणीय चाची जी से। फिलहाल आप जो है इस टमाटर के पेड़ की हाइट देखिए। तो बात करते हैं अपनी आदरणीय चाची जी से। चाची, आपने बताया कि टमाटर का पेड़ है और इसकी चटनी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, तो उसका तरीका क्या है? इसकी चटनी को आग, मतलब राख में पका लो, गरम राख में पका लो, उसके बाद बाहर का छिलका निकाल लो टमाटर को। हाँ, टमाटर को। तो इसका फल कब आता है? इसका फल उसे खाने योग्य, इसका फल अभी ये इसमें हो जाता है, ये जनवरी फरवरी ना दिसंबर से इसकी चटनी शुरू हो जाती है। ठीक, टमाटर को आग में पहले भूनना है, आग में भूनना है, उसके बाद में उसको बनाओ। और वैसे इसको जब काट के 4 पीस बना के थोड़ा सा करो तो उसके अचार भी बन जाता है इसका। और सब्जी के माध्यम से अगर आपके पास नहीं है सब्जी के लिए टमाटर, बाहर का छिलका निकाल के उसको कच्चा भी अगर तुम पहले ऐसे मसाले के साथ भून दे तो वो सब्जी के काम भी आता है, सभी चीज में प्रयोग करते हैं इसका। तो मित्रों, अब बाबा सादगी को इंतजार है फल आने का। फल आने का, चाहे चटनी खाऊं ना खाऊं, लेकिन फल जरूर देखना है इसका कि ये कैसा टमाटर है। राधे राधे। थैंक यू चाची जी। और ये है बाबा सादगी की बहुत विशेष आदरणीय चाची जी। अब ऐसा क्या है कि बाबा सादगी इन्हें आभार देने के लिए आया है? गांव में नैने आया था, तुलसी माला लेके आया था, और अपनी बुआरी से बोला मेरे को गाय का दूध चाहिए, पैसे दे दूंगा। तो बुआरी जो है फिर यहाँ आई एक गिलास लेके, तो चाची जी ने कहा पैसा नहीं चाहिए, वैसे ही लेके जाओ। तो सोचा ये था कि सबसे पहले जो है खेत की जो सब्जी है चाची जी को खिलाऊंगा, लेकिन चाची जी नजर नहीं आई। मैं सोचा चाची कहीं गई हुई हैं, तो आज चाची जी को थोड़ी सी जो सब्जी है कोई बात नहीं यार, वो खिलाई जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और चाची, ये बहुत हार्दिक आभार आपका, बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो जो आपने दूध दिया था, गंगा जल स्नान कराया था तुलसी माला को, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। राधे राधे। पक्का पक्का खाकी, पक्का पक्का बनुल होय होय। मित्रों, आज स्नान नहीं किया है, ये हाइजीन वाइजीन शहर में चलता होगा, हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में नहीं चलता है। उसकी वजह है यहाँ का मौसम, हाइजीन के चक्कर में ठंडे पानी से नहाना और फिर बिस्तरा पकड़ लेना और किसी काम का नहीं रहना, ऐसा हाइजीन अपने को नहीं चाहिए। राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।